मुझे ऐसा लगता है, और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि 2014 के बाद शायद हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर मुख्यमंत्री को बदला गया और उसके बाद इतनी बम्पर सीटों के साथ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सत्ता में आ रही है। हमने कई राज्य ऐसे भी देखे जहां पर जो खुद सीएम कैंडिडेट थे वो खुद ही अपना चुनाव हार गए। यहां पर नायब सिंह सैनी ना सिर्फ जीत रहे हैं बल्कि मेजोरिटी के साथ 50 सीटों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो 6 महीने के लिए कार्यवाहक सीएम बने थे उनको खुद को शायद नहीं पता था कि अगले 5 साल में ही सीएम बनने वाला हूं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ में आया मनोज सर। हाँ नहीं, हाँ, और देखिए कि 6 महीने में उनको कोई परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि क्योंकि जिस समय वो बने उसके ठीक बाद लोकसभा इलेक्शन हो गए। लोकसभा इलेक्शन हो गए तो उस समय कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होता है, उसके 2 महीने उन्होंने काम करा, उसके बाद फिर विधानसभा के इलेक्शन आ गए। तो उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये वोट मिले हैं ये बात तो मुझे लगती नहीं है। खट्टर हट गए, ये एक पॉजिटिव चीज़ ज़रूर है। मेरे को लगता है कि हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो कि जो एंटी जाट वोट है, हो सकता है कि वो एक साथ आ गए हों, कंसोलिडेशन हुआ हो। अभी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने है, रिजल्ट के बाद ही हमें एक एनालिसिस उसके बाद ही होता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।